Good evening and welcome to Verdict. Tonight, lost in the maze of the BJP reality show, a decision that is likely to revolutionize grassroots politics. There will now be 50% reservation for women in panchayats across the country. The cabinet cleared that decision. Does this lay the foundation for more reservations in state assemblies and parliament? Or if there is true empowerment at this level, do we actually need further reservation for women? For more on whether this will be the real game changer in Indian politics, joining me tonight, Manishankar Iyer, congressman and former minister for the panchayat. Also with me, Ishayat Siddiqui from Uttar Pradesh, the editor of the Urdu newspaper Nayi Dunya, also Rajya Sabha MP with the BSP. I'm also joined by Aruna Roy, a former IAS officer who quit her job and decided to really get down to brass tacks and focus on real change, one of the main people behind the Right to Information movement. Well, before I go across to my guests in the studio, I just want to go across to a ground reporter. Kashish now joins me from a village near Lucknow, and she has a woman, Pradhan, with her. I mean, really, who this whole debate is about. So, Kashish, I'm going to go across to you and your report on what the ground situation is. Well, Sonia, I have a very unique woman Pradhan with me. She is managing 8 villages and she's been a Pradhan for 3 years after her husband was in fact killed. But Savitri ji, sabse pehla sawal aap se ye karna chahenge ki zyadatar netagiri, rajneeti, gaon ke kaam chalana aadmiyon ka kaam raha hai. Isme mahilaon ke liye kitna mushkil hua hai Pradhan ka kaam sambhalna aur yahan par gaon ke zameeni taur pe actually kaam karwana. बहुत मुश्किल है निकलना बाहर और गांव की औरतें दबी तो होती हैं उनको निकलना बैठना बहुत संघर्ष करना पड़ता है अगर वो अपने से डर के वजह से नहीं बाहर निकल आए तो कोई मुश्किल नहीं है काम अच्छा हमें बताइए कि अभी जिस तरह से अब तक जब तक 33% आरक्षण रहा है उसमें क्या आपको लगता है जमीनी तौर पर औरत का प्रधान होने से कुछ बदलाव हुआ है क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि जब हम गांव में जाते हैं प्रधान पति एक तरह से बना होता है कि औरत प्रधान होती है कागज पर तो औरत प्रधान होती है मगर काम सारा उनके पति से करवाते हैं तो प्रधान पति एक तरह से बन जाते हैं तो औरत का प्रधान होना से क्या कोई असर या क्या कोई चेंज हुआ है जमीनी तौर पर नहीं इससे चेंज नहीं हुआ क्योंकि उनके आदमी करने वाले हैं इसलिए वो बाहर निकलने का साहस नहीं करते हैं अगर उनके आदमी चाहें और निकले तो कोई करने मुश्किल नहीं है मगर वो खुद नहीं घर वाले उनके चाहते हैं कि मेरी बीवी जाके बाहर करे काम कितना मुश्किल होता है जैसे आप प्रधान हैं आप हमने सुना है कि आपने काफी काम जगह जगह पे जाके खड़े होके काम करवाया कितना मुश्किल होता है एक औरत को आदमियों से काम करवाना उनसे उनको जिस तरह से बताना कि आपको ये करना है आपको ये करना है निकल के बाहर से सबसे बात करना और संघर्ष करना और समझाना और समझना मुश्किल तो बहुत होता है बाहर निकल के संघर्ष से लड़ने के बाद तो ही तो राहत मिलती है हमको ऐसे कराना चाहिए वैसे कराना चाहिए किससे कैसे बात करें थोड़ा अंदर से नहीं दबाव तो लाना ही पड़ता है तभी तो साहस बढ़ता है इसीलिए कष्ट तो बहुत है निकलने में बात करने में हर लोगों से कैसे बात करें कैसे कोई काम निपटाए खड़े होके परेशानी तो बहुत है परेशानी का कोई एक हमें एग्जांपल दे सकते हैं जब आपने काम करवाने की कोशिश करी हो मगर आपको आदमियों की तरफ से बड़ी मुश्किल देखनी पड़ी हो उनकी तरफ से हाँ बहुत ऐसे काम है जो हम पहली बार तहसील वहसील में निकले तो कुछ दिन तो समझने में किससे हम कैसे बात करें कहाँ से मेरा काम होगा ये सोचने समझने में टाइम तो बहुत लगा उसके बाद में धीरे धीरे जब बाहर निकलने के बाद हमें अभ्यास हो गया कैसे कहाँ से होना चाहिए तब हमको आराम मिल गया पहले तो बहुत संघर्ष था क्या औरत होने से आपको लगता है कि आप औरतों के विकास के लिए काम कर सकती हैं क्योंकि आरक्षण बनाए गए हैं ताकि एक तरह से औरतों का विकास भी हो सके वो हमेशा पिछड़े रह जाते हैं क्या आपको लगता है कि औरत होने के नाते आप औरतों के लिए स्पेसिफिकली कोई विकास कर पाई है हाँ अगर औरत अपने ऊपर ले ले अगर करना चाहे वो अपने मन से बाहर निकल के ऑर्डर क्या आप कर पाई है औरतों के लिए कुछ भी हाँ पर्सनल औरतों के लिए भी कोई ऐसी योजना नहीं है जो उनके लिए पर्सनल करें हम चाहते हैं कोशिश करते हैं मगर ऐसा हमारे नॉलेज में भी कोई नहीं आया औरतों वाला एक आखिरी सवाल सावित्री जी हम पूछना चाहेंगे तो क्या ये सरकार की तरफ से आरक्षण बनाना आपको लगता है क्या इससे औरत और बढ़ पाएगी आगे हाँ कोशिश करने के बाद बहुत कोशिश होगी तो बढ़ पाएंगी अगर कोशिश करें प्रधान खुद अपने हाथे महिला कोशिश करें तो हो सकता है Tubar.com.